नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, राजीव कुरैशी जो इस वक्त पुलिस के हिरासत में है, उसका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बोल रहा था कि मैं सबको, जिसने कंप्लेन किया है, उसने जो आईओ है उसको 5 लाख देता, डीसीपी को 10 लाख देता और सीबी कमिश्नर और पुलिस को 50 पेटी देता है। इस तरह की वो बातें फोन पे कर रहा है। अरे मैं 5 के 10 के 15 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, 20 लाख रुपए लूँ, लेकिन थाने वाले वो तुम्हारे सीबी को 50 पेटी देता। वो अपने केस का जो आयो है और जिसने केस शिकायत करता है, उन दोनों से मेरी बात कराई जाए। शिकायत करता को 5 लाख रुपए देता हूँ, आयो को 5 लाख रुपए देता हूँ, संबंधित एरिया के एसीपी डीसीपी को 10-10 देता हूँ और सीपी की कीमत मैं उससे फोन में बात करके डिसाइड कर लूंगा। दोस्तों, जिस पुलिस वाले को राजीव कुरैशी ये कह रहा है कि मैं उन्हें पैसे देता, खरीद लूंगा, सबका रेट तय कर रहा है, आखिर उसी पुलिस ने, नागपुर पुलिस ने राजीव कुरैशी को मुंबई से अरेस्ट कर लिया और अभी वो पुलिस के हिरासत में है, रिमांड में है। दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि ऐसे 3000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो राजीव कुरैशी के महाठगी का शिकार हुए हैं और सभी बेघर हो चुके हैं। सभी ने सब कुछ बेच के, अपना सर्वस्व बेच के राजीव कुरैशी की इस स्कीम में पैसा लगा दिया और आज खाने खाने को मोहताज है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ रो रहे हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में ये खबरें आए कि उसमें से किसी ने प्रेशर में आकर, डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लिया। इस तरीके से लोग इतने परेशान हैं। दोस्तों, इसमें से जितने भी लोग हैं जो ठगी का शिकार हुए हैं, उन्हें कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अगर वे शिकायत करेंगे तो राजीव कुरैशी उन्हें पैसा नहीं देगा। दोस्तों, ऐसा है कि पैसा तो वैसे भी अब किसी का मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो एक स्कैम था, एक ठगी था जिसके शिकार एक गरीब से लेकर अमीर तक सभी हो चुके हैं। अब रास्ता यही है कि जितने भी लोग हैं जो ठगी का शिकार हुए हैं, अपने संबंधित, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और राजीव कुरैशी के जो शिकार हुए हैं, अगर वो ठगी का शिकार हुए हैं, तो उनको जा करके पुलिस में इसकी जानकारी दें, उनकी शिकायत करें। और BCN, जैसा कि आप देखते आए कि हमेशा से राजीव कुरैशी के इस महाठग को पर्दाफाश करते आया है और जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि राजीव कुरैशी गिरफ्तार भी हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति को जो राजीव कुरैशी के महाठग का शिकार हुआ है और परेशान है, अपने पुलिस स्टेशन में जाए और अगर फिर भी वो अगर किसी अन्य मामले में भी परेशान है इस संबंधित, तो वो BCN के कार्यालय में भी आ सकता है। जो भी संबंधित मदद होगी BCN जरूर करेगा, लेकिन सभी से यही आग्रह है कि आप इस गलत फहमी में ना रहे कि अगर हम शिकायत करेंगे तो फिर हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। आपसे यही आग्रह है कि आप शिकायत कीजिए, आप शिकायत करेंगे तो एक एक्चुअल वास्तव ये पता चलेगा कि आखिर कितने की ठगी सही में हुई थी। तो आपकी शिकायत पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो अभी तक जैसा कि हम लोग सच बताते आए हैं और उसी का एक हिस्सा ये है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि आप सभी को जो ठगी का शिकार हुए हैं, वो संबंधित पुलिस स्टेशन में जा करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इस संबंधित अधिक जानकारी के लिए हम आप तक अपडेट लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBCN न्यूज़ पे। जय हिंद।